ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आप सभी को पहले करना है कि आप सभी को उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो उसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को गाइस जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐसा आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जो मॉडल है मैंने उसका कटआउट पहले से ही कर रखा है। एंड जिसको कटआउट करना नहीं आता है उसका लिए मैंने गाइस एकदम प्रॉपर नई वीडियो बनाई है। एंड मैंने तीन वीडियो की लिंक दे रखी है, मैंने तीनों वीडियो बनाई थी, ठीक है। और तीनों में मैंने अलग अलग तरीके समझा रखा है, तो आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हो, या फिर उनमें से जो आपको अच्छा लगे उसमें उस स्टेप से आप फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना, उससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चले गए, सब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमने अपना मॉडल लगा लिया है, तो आप सभी को मॉडल को जिस टाइप से लगा लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको राइट पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सबको दोबारा से ऐड फोटो में। एंड यहाँ से आप सभी को एक वीकनेट का पीएनजी ले लेना है, ठीक है। इस पीएनजी को आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सभी को इसको सिंपली फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से लगा देना है। इंडिया ऑटोमेटिकली ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको दोबारा से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद गाइस जाना आप सभी को एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को थोड़ा सा जो इसका कॉन्ट्रास्ट है इसको आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद जाना है सैचुरेशन में, इसका सैचुरेशन हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जो है, फिर इसके बाद आपको हाईलाइट में जाना है। इसका जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा आगे आगे की तरफ बढ़ा, नीचे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। एंड डन कर देना है। इतना कर देने के बाद आप सभी को गाइस फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से इसमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने गाइस आप सभी को एक पार्टिकल का पीएनजी लेना है। एंड इसका जो पार्टिकल का पीएनजी है इसको आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड इसको गाइस आप सभी को सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर इसकी जो ओपेसिटी है इसको आपको थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम कुछ अराउंड 50 तक कुछ रख लेंगे। एंड उसके बाद गाइस इरेजर टूल में जाएंगे। एंड उसके बाद हम फेस फेस का जो एरिया आ रहा होगा उसको हम सिंपली इरेज कर लेंगे कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे कर देंगे डन। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना गेन टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सबको ब्राइटनेस को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाना, इन्वर्ट कर देना, ब्रश को लेना, साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है। एंड फोटो को आप सबको कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। फेस के ऊपर जो है डोजन बन करना है, ठीक है। तो अगर डोजन वन के ऊपर भी मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। एंड भाई जिसको डोजन वन के ऊपर पूरा प्रॉपर समझना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लेना, आप सभी को इजीली समझ आ जाएगा। एंड उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप सभी को, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को जो इसका अमाउंट कुछ अराउंड इतना 10 या 7 तक कुछ बढ़ा देना, ठीक है। इसके बाद कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अब यहाँ पर जो है क्या करना है, आप सभी को जाना है इसे एफएक्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम एफएक्स वाले ऑप्शन में चलेंगे। एंड गाइस इसमें हमें थोड़ा सा ना नीचे की तरफ ब्लर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से ब्लर में, ठीक है। ब्लर वाले में जाएंगे, सबसे फर्स्ट वाला ब्लर ले लेंगे। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे। एंड उसके बाद गाइस हम नीचे से थोड़ा सा इस तरीके से पेंट कर देंगे, ठीक है। इतना कर देंगे और डन कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हम जो है इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है गाइस। अराउंड कुछ 3 तक कुछ रख देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ से अपनी फोटो को इसको कर लेना सेव सिंपली, ठीक है। एंड इसमें कलर करेक्शन करेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस हम यहाँ से हमने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। एंड जिसका कॉन्ट्रास्ट आप सबको बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको बढ़ा देना है। एंड जो शेडो है इसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड जो व्हाइट है इसको बढ़ा देना है। एंड ब्लैक है जिसको कम कर देना है। एंड उसको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस कर देना, ठीक है। एंड उसको जाना मिक्स में, और उसके बाद आप सबको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको येलो कलर को लेना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड ग्रीन कलर को लेना है, इसका ह्यू बिल्कुल माइनस कर देना है, वो सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। ब्लू कलर में जाना है, इसका ह्यू और सैचुरेशन बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको डार्क ब्लू में जाना है, इसका ह्यू थोड़ा सा कम की तरफ बढ़ा देना है, एंड सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना नीचे वाला टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सबको उसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है। एंड उसके बाद आप सबको गाइस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, आप सबको ग्रीन अमाउंट मिलेगा तो उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको जाना इसके नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आप सबको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो नॉइज डिटेक्शन है आप सबको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको फिर नीचे स्क्रॉल करो तो कलर नॉइज डिटेक्शन मिलेगा, आप उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और यार चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे बताना ताकि मैं आप सभी के लिए इसका कॉन्सेप्ट ला सकूँ। तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।